हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू द चैनल परफ्यूम थ्योरी। दोस्तों आज हम लोग रिव्यू करने जा रहे हैं नीश के हॉट टोबैको का। जानेंगे कैसा है ये परफ्यूम, आपके लिए है नहीं है, सभी के बारे में बात करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों सबसे पहली बात तो ये है कि मेरे पास ये फुल प्रेजेंटेशन में नहीं है। मैंने ये मेरे पास जो आप देख रहे हैं वो 2 ml का सैम्पल है जो मुझे फ्रैग बाज़ार से मिला था। और मेरे पास इनके और भी दोस्तों सैम्पल्स हैं, तो हम लोग वन बाय वन सबका हम लोग रिव्यू करेंगे। तो सबसे पहले आज हम लोग रिव्यू करने वाले हैं हॉट टोबैको को, बिकॉज़ इससे पहले वाली वीडियो में जो जिसमें मैंने पूछा था कि आपको किसका रिव्यू चाहिए, तो कई लोगों ने मुझे इसका ज़िक्र किया। तो हाज़िर है आपके पास इसका रिव्यू। तो दोस्तों सबसे पहले बात देखिए इसमें कितना बचा है, कितनी क्वान्टिटी इसमें लेफ्ट है। तो अगर आप देख सकते हैं बाकी परफ्यूम्स, मान लीजिए कि यहाँ तक फिल है, तो यहाँ तक मेरे पास थोड़े से बचा है। वो मैंने इसलिए बचाया दोस्तों क्योंकि मुझे इसको आके बाद में अदर टोबैको बेस्ड फ्रेग्रेंस से मुझे कंपैरिजन करना है, तो थोड़ा सा मैंने इसको बचा के रखा है। तो सबसे पहली बात दोस्तों कि मेरे पास इसका कोई बॉटल नहीं है और कोई बॉक्स नहीं है, तो वो मैं अभी आपको बता नहीं पाऊँगा कि वो कैसा है। लेकिन जहाँ तक मैंने देखा है तो इसका प्रेजेंटेशन काफ़ी अच्छा बनाया है नीश ने। और सबसे अच्छी बात क्या है दोस्तों इस परफ्यूम के पीछे, इसको बनाने वाले जो परफ्यूमर हैं, जो नोज़ हैं, उनका नाम है क्रिश्चियन प्रोवेंजानो। क्रिश्चियन प्रोवेंजानो दोस्तों ऐसे परफ्यूमर हैं जिनको इंडस्ट्री में 50 इयर्स का एक्सपीरियंस है, यानी कि वो 50 साल से परफ्यूम्स की दुनिया में है और परफ्यूम्स बना रहे हैं। और उन्होंने पता है कौन कौन से परफ्यूम्स बनाए हैं, मैं बस आपको एक लिस्ट बताता हूँ। उन्होंने सबसे पहले उनका जो लिस्ट है, जो मुझे दिखा, मुझे लगा कि वैसे आपके साथ शेयर करना चाहिए, तो कुछ इंपॉर्टेंट्स मैंने उसमें से कुछ चुनिंदा परफ्यूम्स मैंने आपके लिए अलग कर लिए हैं जो मैं आपको बताता हूँ। तो किलियन के उन्होंने एक परफ्यूम को बनाया है जिसका नाम है परलूद, और दोस्तों वो जो परफ्यूम है काफ़ी फेमस है फ्रेगरेंस इंडस्ट्री में, यानी कि अगर आप फ्रेगरेंस से जुड़े हैं तो अगर आपको केलियन के बारे में पता है तो उसका जो पर्ल ऊद है वो काफ़ी फेमस है, और वो उसको बनाया है क्रिश्चियन प्रोवेंजानो ने। क्रिश्चियन प्रोवेंजानो ने दोस्तों इलेक्टिमस के काफ़ी सारे परफ्यूम्स बनाए हैं। इलेक्टिमस केलियन की तरह एक नीश ब्रांड है, जैसे कि उसका एक परफ्यूम है जिसका नाम है पोमोना वाइटालिस, तो उसका लिटरल मीनिंग है गॉडेस ऑफ द गार्डन्स एंड द ऑर्किड्स, तो वो पोमोना वाइटालिस का मीनिंग है। काफ़ी फेमस है दोस्तों वो परफ्यूम, तो उसको भी क्रिश्चियन प्रोवेंजानो ने बनाया। इलेक्टिमस के काफ़ी सारे परफ्यूम्स उन्होंने बनाए हैं, जैसे प्यूरिटास हो गया, ऑक्टेवियन हो गया, कापुआ हो गया, तो काफ़ी सारे परफ्यूम्स हैं जिसको क्रिश्चियन साहब ने बनाया है। उनका खुद का भी ब्रांड है दोस्तों जिसका नाम है क्रिश्चियन प्रोवेंजानो परफ्यूम्स, तो वो खुद के भी परफ्यूम्स बनाते हैं। बुडेशिया द विक्टोरियस काफ़ी फेमस ब्रांड है, आपने शायद सुना होगा, जैसे एक हीरो द बुडेशिया द विक्टोरियस, उसका हमने अभी उसके क्लोन का रिव्यू किया था मोका वुड, तो उन्होंने वैसा हीरो को तो नहीं बनाया है बुडेशिया द विक्टोरियस का। जैसे कि मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूँ जिसको क्रिश्चियन साहब ने बनाया है, वो है बुडेशिया द ग्लोरियस और ब्लू सफायर, ये दोनों काफ़ी फेमस है। और भी बनाया है लेकिन मैंने बस कुछ परफ्यूम्स आपके लिए अलग कर लिए हैं ताकि आपको पता लगे कि वो किस लेवल के परफ्यूमर है दोस्तों। सोस्पिरो का वाइब्राटो काफ़ी आजकल चर्चा में है, वो फ्रेग्रेंस कम्युनिटी में, ये भी क्रिश्चियन प्रोवेंजानो ने बनाया है। और सोस्पिरो का डॉल्से मेलोडिया, ये भी क्रिश्चियन प्रोवेंजानो ने ही बनाया है। निशाने का भी एक परफ्यूम उन्होंने बनाया है जिसका नाम है निशाने माना, जो कि अपने लेदरी ऊद बेस्ड अकॉर्ड के लिए फेमस है। तो ये दोस्तों ये है परफ्यूमर क्रिश्चियन प्रोवेंजानो जिन्होंने नीश का हॉट टोबैको बनाया है। तो सबसे पहली बात तो मुझे नीश को एक कॉन्ग्रेचुलेशंस देना पड़ेगा कि उन्होंने कैसे इस परफ्यूमर को अपने पास बुलाया और उनसे ये बनवाया। तो आइए दोस्तों बात करते हैं इसके सेंट प्रोफाइल की, इसका सेंट प्रोफाइल कैसा है। तो दोस्तों ये जो है अपने टॉप में थोड़ा सा आपको फ्रूटी नोट्स मिलेंगे, ये इसमें आपको एक टोबैको का जो नोट है वो प्रोमिनेंट है क्योंकि ये दोस्तों टोबैको बेस्ड फ्रेग्रेंस है। इसमें थोड़ा सा आपको ऊद का भी हिंट मिलेगा, सैफ्रन मिलेगा, कुछ स्पाइसेस मिलेंगे, वार्म स्पाइसीनेस मिलेगा, वुडनेस मिलेगा, सैंडलवुड का भी आपको एक टच है, और आपको इसमें वनीला के भी अकॉर्ड्स मिलेंगे, हल्का वेटिवर भी इसमें मैंशनड है इसके नोट्स में।
तो नोट्स के ब्रेकडाउन की अगर बात की जाए दोस्तों, तो टॉप नोट्स में जुनिपर बेरीज मिलेगा, ऑलिव डैनम, रोज़, एप्पल एंड पियर। हार्ट नोट की अगर बात करें तो टोबैको, कार्डमोम, सैफरन, रोज़, ऊद, नटमेग एंड जैस्मिन यहाँ पर मेंशन किया है नीश ने। और बेस नोट्स की अगर बात की जाए तो सैंडलवुड, एम्बर, गयाकवुड, वनीला, मस्क एंड वेटिवर का यहाँ मेंशन किया हुआ है। तो जैसे ही मैंने इसको स्प्रे किया दोस्तों, तो मुझे एग्जैक्टली कौन से नोट्स मिलते हैं वो मैं आपको भी बताता हूँ। तो इसके इसमें जो मुझे प्रोमिनेंट जो मिलता है वो दोस्तों एप्पल एंड पियर का कुछ हल्का नोट्स मुझे मिलता है टॉप में, बहुत माइल्ड है, मतलब कि आपको पता नहीं लगेगा कि आपने कुछ एप्पल प्लस पियर जैसा कुछ आपने लगाया है, काफ़ी माइल्ड है दोस्तों, और वो तुरंत हट पे जाता है, चला जाता है। जो आपको डिटेक्ट होगा, काफ़ी टाइम तक डिटेक्ट होगा, वो है आपको टोबैको, सैफरन, नटमेग, और बेस की बात की जाए तो वनीला, मस्की रहेगा, आपको कुछ वुडनेस और एम्बरीनेस मिलेगा। तो ये जो सारे नोट्स हैं जो मैंने आपको बताया, मैं फिर से रिपीट करता हूँ, एप्पल प्लस पियर का आपको मिलेगा बिल्कुल माइल्ड, और टोबैको, सैफरन और नटमेग का आपको कुछ हिंट मिलेगा। उसके बाद आपको बेस में सैंडलवुड, वनीला और कुछ एम्बरीनेस आपको मिलेगा। तो ये दोस्तों ये सारे नोट्स डिफाइन करते हैं नीश के हॉट टोबैको को। अब दोस्तों बात की जाए कि ये किसके लिए है ये परफ्यूम, तो मैं कहूँगा कि ये मेन सेंट्रिक ज़्यादा है, और आप इसको कैसे ओकेजन में लगाना चाहेंगे। तो ओकेजन के लिए मुझे दोस्तों इसके लॉन्जिविटी एंड प्रोजेक्शन एंड सियाज की भी बात करनी पड़ेगी, तभी मैं आपको एक प्रॉपर ओकेजन के बारे में बता सकता हूँ। तो दोस्तों बात यह है कि हर अच्छी चीज़ की दोस्तों लास्टिंग नहीं होती। आपने अगर टाइटैनिक मूवी देखा है तो आपको रोज़ एंड जैक की लव स्टोरी भी काफ़ी पसंद आई होगी, तो उसकी लास्टिंग दोस्तों सोचिए कितना था, उसकी उस लव स्टोरी की कितनी लास्टिंग थी, नहीं थी ज़्यादा। तो वही बात है दोस्तों, बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं जिसकी लास्टिंग हमारे पास नहीं अवेलेबल है, या फिर जिसकी लास्टिंग हमें नहीं मिलती है, तो उसमें से दोस्तों सैडली ये भी है। तो मेरे लिए दोस्तों ये 4 to 5 आवर्स की मुझे लॉन्जिविटी से मिलती है, और इसका जो प्रोजेक्शन है काफ़ी माइल्ड है, ये मेरे से काफ़ी चिपक के रहता है। तो अगर मेरे आसपास कोई है, बहुत पास अगर कोई है, तभी उसको पता लगेगा, अदरवाइज़ ये दोस्तों मुझे 1 फिट, बियॉन्ड 1 फिट उसके बाद मुझे नहीं लगता कि इसके प्रोजेक्शन है। तो ये काफ़ी क्लोज रहता है दोस्तों आपके स्किन के लॉन्जिविटी वाइज, स्किन पे 4 to 5 आवर्स की मुझे लॉन्जिविटी मिलती है। कपड़े पर अगर मैंने स्प्रे किया तो मुझे 8 से 9 घंटे की माइल्ड हिंट्स मिलते हैं, मतलब कि वो भी बहुत ज़्यादा लाउड नहीं है, बिल्कुल आपके साथ रहता है वो। तो इस हिसाब से अगर मैं देखूँ तो ये किस ओकेजन में सूट करेगा, तो मुझे ऐसा लगता है एक ऑफिस एनवायरनमेंट, एक फॉर्मल एनवायरनमेंट के लिए काफ़ी अच्छा सेंट हो सकता है, क्योंकि आप नहीं चाहेंगे दोस्तों कि आप ऑफिस में बिल्कुल टोबैको के साथ आप एक स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्शन वाला कुछ ऐसा लगा ले कि आसपास के लोग, क्योंकि दोस्तों एक टोबैको एक ऐसा नोट है कि किसी को पसंद आएगा किसी को नहीं आएगा। आपके साथ अगर फीमेल कलीग हैं तो 90% फीमेल कलीग को टोबैको का नोट मुझे नहीं लगता पसंद आने वाला है, अगर वो ड्राई टोबैको है तो। अगर टोबैको विथ फ्लोरल है, जैसे कि ये है ड्रीमर, ये थोड़ा सा फ्लोरल साइड पर जाता है टोबैको के साथ, तो ये थोड़ा सा मास अपीलिंग भी है दोस्तों, लेकिन ये मुझे थोड़ा सा ड्राई टोबैको लगता है। बना तो काफ़ी अच्छा है दोस्तों, ऐसी इन बात नहीं है कि मैंने स्प्रे किया मुझे मज़ा आ गया, बस एक यही एक गुंजाइश रह गई इसकी लॉन्जिविटी एंड प्रोजेक्शन। अगर ये अगर मुझे थोड़ी सी और अच्छी मिल जाती तो क्या ज़बरदस्त परफ्यूम है दोस्तों, ये बहुत बहुत अच्छा काम किया हुआ है, बस इसकी लॉन्जिविटी एंड प्रोजेक्शन मुझे इतनी अच्छी नहीं लगी। तो जहाँ तक मैंने आपको बताया कि इसकी लॉन्जिविटी कैसी है, प्रोजेक्शन कैसा है, सेंट प्रोफाइल काफ़ी बढ़िया है, लॉन्जिविटी स्किन पे 4 से 5 घंटे, क्लोथ्स पे 8 से 9 घंटे तक रहता है, उसके बाद 9 घंटे के बाद शायद ही आपको पता लगे कि आपने कुछ लगाया है। दोस्तों मैंने एक एक्सपेरिमेंट भी किया था, मैंने अपने क्लोज़ेट में इसके कुछ स्प्रेज करके रख दिए थे एक कपड़े पर, और नेक्स्ट डे मैंने उसको स्मेल किया तो मुझे इससे हल्के हल्के हिंट्स आ रहे थे, लेकिन वो क्लोज़ेट के अंदर। लेकिन अगर मैं वही ड्रेस को अगर मैं बाहर वेयर करता हूँ, अभी का जो टेम्परेचर है मेरे एरिया में 20-25 के आसपास जाता है मैक्स टेम्परेचर,
तो बाहर में ये दोस्तों इसने ये सर्वाइव ये ज़्यादा नहीं कर पाया। तो अगर आप ऐसे इंसान हैं जो कि आप ऑफिस जाते हैं प्लस आप थोड़ा बाहर भी घूमते हैं किसी काम से, तो मे बी ये ज़्यादा इसकी लास्टिंग आपको नहीं मिलेगी। लेकिन अगर आप बंद कमरे में हैं, यानी कि अब अगर आप ऐसे इन्वायरमेंट में काम करते हैं, तो आपके साथ ये दिन भर लास्ट कर जाएगा। आपको एक अच्छा 9 to 10 आवर्स की कपड़े पर लॉन्जिविटी मिल जाएगी, लेकिन वो दोस्तों आपको समझना है कि आपके साथ ये थोड़ी सी चिपक के रहती है, तो बहुत ज़्यादा लाउड नहीं है। अगर आपको लाउड फ्रेगरेंसेस पसंद हैं तो आप इसकी तरफ जाइए दोस्तों। जो सबसे करीब दोस्तों इस परफ्यूम के नीश हॉथ टबैको के है, वो है मानसरा का रेड टबैको। दोनों वैसे अलग अलग परफ्यूम्स हैं, दोनों का कोई कंपैरिजन मैं नहीं कर रहा दोस्तों, लेकिन जैसे कि मेरे पास टोबैको का ये है, मैंने आपको ये भी दिखाया। फिर स्पाइस बॉम एक्सट्रीम है, ये भी एक टोबैको बेस्ड फ्रेगरेंस है दोस्तों। और मेरे पास ये भी है बल्गारी मैन इन ब्लैक, दोस्तों ये भी एक टोबैको बेस्ड फ्रेगरेंस है। थोड़ा सा स्क्रीन पे अरेंज कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिख जाए। तो इन सभी फ्रेगरेंस में जो सबसे क्लोजेस्ट टू हॉथ टोबैको मुझे लगा, वो लगा मानसेरा का रेड टोबैको, क्योंकि इसमें वही मुझे ड्राइनेस लगी जो इसके अंदर एक ड्राइनेस है, तो मुझे मानसेरा रेड टोबैको में वही ड्राइनेस लगी। जो डिफरेंशिएट करता है, जो चीज़ डिफरेंशिएट करता है हॉथ टोबैको को मानसेरा रेड टोबैको से, वो है इसमें थोड़ा सा मेडिसिनल फैक्टर मुझे लगता है। ये कुछ मुझे ऐसा लगता है कुछ दवाई जैसा कुछ मिला है, जो मुझे थोड़ा सा अनोइंग लगता है, लेकिन ऐसा भी नहीं है, लोग इसको काफ़ी पसंद करते हैं, काफ़ी लाइक करते हैं, तो अपनी अपनी चॉइसेस है दोस्तों। मुझे इसका प्रोफाइल ज़्यादा पसंद है, नीश हॉथ टोबैको का और मानसेरा रेड टोबैको। बस ये है कि ये प्रोजेक्शन बॉम्ब है, ये लॉन्जिविटी इसकी बहुत अच्छी है रेड टोबैको की। तो अगर ये कुछ ऐसा होता तो मेरे लिए ये गो टू चॉइस होता फॉर ऑफिस एनवायरनमेंट या फिर एक फॉर्मल पार्टीज़ या फिर कैजुअल पार्टीज़। तो दोस्तों पार्टीज़ के लिए तो मैं इसको रिकमेंड नहीं कर सकता, क्योंकि जैसे इसकी प्रोफाइल है, ये आपसे चिपक के रहती है, इसकी लॉन्जिविटी बहुत अच्छी नहीं है, हल्की है स्किन पे 4 to 5 आवर्स, और कपड़ों पर आप अगर आप बाहर जाते हैं, आप एक आउटडोर में आप कुछ इवेंट अटेंड करना चाहते हैं, तो आउटडोर में मुझे नहीं लगता है इसकी ज़्यादा लास्टिंग मिलेगी। क्योंकि दोस्तों पार्टी एक ऐसा माहौल होता है जहाँ पर कभी डीजे चल रहा होता है, कभी आप डांस कर रहे होते हैं, कभी आप लोगों से मिल रहे होते हैं, एक खुला माहौल होता है, हवा चल रही होती है, तो अगर वो सब फैक्टर आप इंक्लूड करेंगे तो इसकी लॉन्जिविटी वैसे ही मुझे लगता है कि आपको ज़्यादा नहीं मिलेगी। तो इसको मैं पार्टी के लिए रिकमेंड नहीं करता, मेरे लिए ऑफिस के लिए गो टू फ्रेगरेंस आज भी है। भले ही इसकी लॉन्जिविटी कम है, तो मुझे कोई लॉन्जिविटी से परेशानी नहीं है। अगर आपको ऐसा कोई फ्रेगरेंस चाहिए जो कि आप पार्टी के लिए आप प्रेफर करना चाहेंगे, तो मेरे हिसाब से आप स्पाइस बॉम्ब एक्सट्रीम की तरफ जाइए। अगर आप ऐसे इंसान हैं जो पार्टी थोड़ा सा पार्टी वाले मूड में थोड़ा सा रहना पसंद करते हैं, या फिर कोई आपको ऐसा कोई टोबैको बेस्ड फ्रेगरेंस चाहिए जो कि पार्टी के लिए अच्छा हो, तो मेरे हिसाब से स्पाइस बॉम्ब एक्सट्रीम आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर आपका बजट थोड़ा कम है तो आप इसकी तरफ जा सकते हैं। ये दोस्तों भले ही ये EDT कॉन्सेंट्रेशन है, लेकिन इसकी लॉन्जिविटी बहुत ही अच्छी है। ये भी इसमें भी टोबैको लीफ का इस्तेमाल है, टोबैको का नहीं है, टोबैको लीव का है, लेकिन मुझे काफ़ी प्यारा फ्रेगरेंस लगता है। पार्टी के लिए भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर्मल सेटिंग के लिए दोस्तों बल्गारी मैन इन ब्लैक एंड मानसेरा रेड टोबैको एक अच्छा फ्रेगरेंस है, लेकिन यही बात है दोस्तों कि दोनों का आप 2 या 3 स्प्रे से आप ज़्यादा मत करिएगा। इसका 2 या 3 स्प्रे, इसका 2 या 3 स्प्रे आपके लिए काफ़ी है। और इस बात इसकी आती है दोस्तों नीश के हॉथ टोबैको की, तो अगर आप ऑफिस सेटिंग में आप इसको यूज़ करना चाहते हैं, तो मेरे हिसाब से आप 7 to 8 स्प्रेज करिए तो आप गुड टू गए हैं ऑफिस के लिए। 2 स्प्रे आप स्किन पे कर लीजिए और 6 स्प्रे आप कपड़े पे कर लीजिए, तो आपको ऑफिस का पूरा दिन ये निकाल देगा। लेकिन डिपेंड करता है कि आप कैसे इन्वायरमेंट में रहते हैं, आपका ऑफिस का इन्वायरमेंट कैसा है। अगर आप AC इन्वायरमेंट में रहते हैं तो वेल एंड गुड, अगर आप AC इन्वायरमेंट में नहीं हैं, आप चलते फिरते रहते हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि आपको इससे ज़्यादा लॉन्जिविटी मिलेगी। तो बात वही है दोस्तों, चीज़ तो बहुत अच्छी है बट लॉन्जिविटी एंड प्रोजेक्शन इसका थोड़ा मुझे कम लगा। इस फ्रेगरेंस की एक और अच्छी बात यह है कि ये काफ़ी अच्छे से ब्लेंड किया हुआ मुझे लगता है। कोई भी ऐसा नोट नहीं है जो आपको चुभेगा, कोई भी शार्प नोट नहीं आता है। टोबैको दोस्तों अपने आप में काफ़ी एक शार्प नोट है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मानसेरा का रेड टोबैको है, उसका नोट, उसका जो टोबैको है मुझे थोड़ा सा शार्प लगता है।
लेकिन वो भी अच्छे से बनाया गया दोस्तों, हल्का सा इसके कंपैरिजन में थोड़ा शार्प है, वैसे वो नोट अच्छा है बिकॉज टोबैको बना ही है थोड़ा सा शार्पनेस के लिए, थोड़ा सा मैस्कुलिन टच देने के लिए, लेकिन इसका जो टोबैको है वो एक ऐसा टोबैको है तो मुझे ऐसा लगता है कि लेडीज़ भी थोड़ा लाइक कर सकती हैं, मतलब कि बाकी जो टोबैको फ्रेग्रेंस है उसके कंपैरिजन में ये जो टोबैको है मुझे लगता है ये थोड़ा सा फीमेल फ्रेंडली हो सकता है, लेडीज़ वेयर नहीं करेंगी हो सकता है लेकिन लाइक ज़रूर करेंगी, मुझे ऐसा लगता है। और दोस्तों जो भी ओपिनियन मैं आपको इस वीडियो में दे रहा हूँ वो मेरा पर्सनल ओपिनियन है, इसको आप एक फ़ाइनल ओपिनियन मत कंसिडर करिएगा, आप मल्टीपल फैक्टर्स को यानी कि ध्यान में रखिए कि आप मैं जो भी बता रहा हूँ वो आपके लिए लागू होता है कि नहीं। आप कई लोगों का रिव्यूज़ इस पर आ चुका है, उससे बड़े बड़े यूट्यूबर हैं परफ्यूम गुरु, उन्होंने भी काफ़ी इसका अच्छा रिव्यू किया है, तो आप सभी के रिव्यूज़ देखिए दोस्तों, कोई भी एक रिव्यूज़ या किसी एक भी पर्टिकुलर पर्सन का रिव्यू देख के आप अपना डिसीजन मत लीजिए, क्योंकि दोस्तों ये थोड़ा सा महंगे साइट पर है, तो मैं चाहता हूँ कि आपका पैसा किसी तरह से बच जाए या फिर आपका पैसा एक सही जगह लगे। अगर आपको बिल्कुल इसको ट्राई करना है तो आप बेशक आप डीकैंट की तरफ जा सकते हैं जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूँ, लेकिन हाँ मेरे रिव्यू को आप एक फ़ाइनल ओपिनियन उसका मत लेकर चलिएगा, फाइनल डिसीजन मत बनाइएगा इस रिव्यू से। आप मल्टीपल फैक्टर्स को ध्यान में रखिए, नोट्स को पढ़िए, इसको समझिए, जो भी रिव्यूअर्स बता रहे हैं आपको उसको समझिए, उसके बाद आप कोई डिसीजन लीजिए। दोस्तों अगर आप इस फ्रेग्रेंस को लेने का सोच रहे हैं तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप एक बार इसका डीकैंट ट्राई कर लीजिए। मेरा जो सैंपल है ये मुझे फ्रैग बाज़ार से मिला था, कौस्तपाल इनके ओनर हैं फ्रैग बाज़ार के, तो उनका नंबर मैं यहाँ पर डिस्प्ले पे लगा दूंगा और डिस्क्रिप्शन में उनके फेसबुक ग्रुप और नंबर को भी डाल दूंगा, तो आप उनसे इस तरह के सैंपल्स ले सकते हैं जो डिस्कवरी सेट टाइप का है, या फिर 5 ml 10 ml भी आप ले सकते हैं, या तो उनके पास आपको फुल प्रेजेंटेशन में मिल जाएगा ब्रांड न्यू, तो जैसे भी आपको सूटेबल हो तो आप उनसे बात कर लीजिएगा। तो मेरा सजेशन यही रहेगा दोस्तों कि एक बार आप इसका डीकैंट ट्राई कर लीजिए, तब इसके फुल वर्जन पर जाइए, क्योंकि दोस्तों ये इसका जो प्राइस है थोड़ा सा ये थोड़ा सा कॉस्टली साइड पर है, क्योंकि दोस्तों ऑब्वियस सी बात है क्रिश्चियन प्रोवेंजानो सर ने इसको बनाया है जो कि इतने बड़े मास्टर परफ्यूमर हैं, तो नीश का जो परफ्यूम है उसका जो लेवल ऑलरेडी नीश के लेवल पर चला गया, तो आप समझ सकते हैं इसकी जो प्राइस है ऑब्वियस सी बात है बढ़नी है। तो मेरा सजेशन यही रहेगा दोस्तों कि आप इसका एक बार डीकैंट ट्राई कर लीजिए। अगर एक फ़ाइनल वर्डिक्ट के तौर पे अगर मुझे इसका कोई रेटिंग देना हो तो आउट ऑफ 10 मैं इसको 8 का अच्छा स्कोर देना चाहूँगा। 8 मैं क्यों देना चाहूँगा दोस्तों, अगर इसकी लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन NCR अच्छी नहीं है तो फिर भी मैं 8 क्यों देना चाहूँगा, क्योंकि दोस्तों इसका सेंट प्रोफाइल काफ़ी प्यारा है। दोस्तों वही बात है कि अच्छी चीज़ें ज़रूरी नहीं कि लॉन्ग लास्टिंग होती है, जैसे कि मैंने आपको जैक एंड रोज का एग्जाम्पल दिया। तो दोस्तों यहीं पर मैं अपने रिव्यू को एंड करना चाहूँगा, मिलते हैं किसी ऐसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। और हाँ दोस्तों मैं इनसे काफ़ी उम्मीदें हैं, मेरे पास और भी इनके सैंपल्स हैं नीश के, तो देखते हैं आगे ये इनका परफॉर्मेंस कैसा होता है, क्वालिटी कैसी होती है, तो सभी के बारे में बात करेंगे, तो आपके लिए कुछ अच्छे रिव्यूज़ अभी आने हैं, तो मिलते हैं किसी ऐसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।